بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري واحلو لقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وارواح الآلمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الدائمة ولا اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله جميعا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جاء له الله اخر الاحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. नाजरिन मोहतरम प्रोग जमाल आशरा ले कर एक बार फिर आपकी खदमत में हाजिर हैं जैसा कि गुजशत प्रोग्रामों में अर्ज़ किया कि बीबी ए दो आलम शहज़ादी ए जैनब कुब्र सलाम उल्ल का वो तारीख़ी जुमला कि जब उन्होंने यजीद को मुखातब करार दे के ये कहा कि मारा आई तो जमीला के मैंने जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब करबला का तस्वुर आता है जब हुसैनी हुसैन अली का तस्करा करते हैं जब आशूरा का तस्करा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आशूरा में ख़ून नज़र आता है जवान लाशें बूढ़े लाशें छोटे छोटे बच्चों पर ओतम असारत की अजीब व गरीब तकलीफ़ दनाज़र तो फिर वो क्या जेबा था क्या ख़ूबसूरत था क्या जमील था कि जिसके बारे में बीबी जनाब सैद अजैन अब सलामल हाँ ये फरमाती हैं और इन इस तारीख़ी और नूरानी जुमले की तफसीर बयान करने की कोशिश करेंगे अपनी समझ और बसात के मुताबिक अगर हम देखना चाहें कि करबला आगाज़ से लेकर और फिर रोज़ आशुरा के बाद कुफा और शाम के बाजार और दरबार और उसके बाद मदीना वापसी तक किस तरीक़े से जनाब जैनब कुब्रा हुसैन सलातम के हमरा हैं और किस तरीक़े से तमाम करबलाई उनकी सिफ़ात, उनका किरदार उनका तरीका कार हमें दावत फ़िक्र दे रहा है कि जो काम हुसैन अली ने किया वतन छोड़ा और सारी कुर्बानियाँ दी, इसका पैगाम क्या है मकसद क्या मैं हुसैन अबिनली क्या है और अगर उस मकसद तक इंसान पहुँच जाए तो फिर उसे उन जीवाइयों का सही माना में अदराक हो सकता है कुछ नुकात की तरफ गुजशत प्रोग्रामों में इशारा किया और ये अर्ज़ किया कि ये जो इनकार बेअत किया सैदुल शहदा हुसैन आलम ने यानि दर हकीकत तागूत से मुक़ाबला करना और फिर किस अंदाज में हिजरत फरमाई ख़ूबसूरत तरीन हिजरत अगर उस निगाह से देखा जाए कि जिस निगाह से ज़ैनब कुबरा देख रही हैं और फिर जब वसीयत फरमाई तो बेहतरीन वसीयत कि जिसमें अक़ायद का तस्करा है जिसमें अपने क़्याम का तस्करा है जिसमें यह ये बयान किया जा रहा है कि हुसैन अली का मकसद क्या है हुसैन अपने जद की सीरत को ज़िंदा देखना चाहते हैंसैन अमर मरूफ और नहीं अज़मनकर करना चाहते हैं करबला वालों में अखलास को देखना हो तो अपनी औज पर दिखाई देता है कि हर अमल हर कदम हर हरकत हर कोशिश कुर्बता है और उसमें मद नज़र सिर्फ़ परवरदिगार आलम की जात है और जब मद् नज़र ख़ुदा वंद मतल है तो फिर सब कुछ आसान है फिर सब कुछ जमील है फिर सब कुछ खूबसूरत नज़र आता है क्या वजह आप देखिए कि वफ़ारी असाब सैदुल शहदा सलामल कि किस तरीके से मेरे आका ने यह फरमाया कि जैसे सहाबी मुझे नसीब हुए किसी और को नहीं मिले हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मराहल दिखाई देते हैं कि मौला बैत उठा लेते हैं और कहते हैं कि अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए ये बता देते हैं कि इन लोगों को सिर्फ मुझसे सरोकार है अगर तुम लोग चले गए तो तुमसे कोई सरोकार नहीं होगा और हाँ जो रह जाएगा वो अपना सर कटाएगा लेकिन उसके बावजूद तमाम साथी जो हैं वो अपना जा, अपनी जान निसार करने को तैयार हैं यहाँ तक नहीं बल्कि कहते हैं कि मौला ये कैसे मुमकिन है कि आपको छोड़ दें और चले जाएं और हाँ अगर हज़ार जाने भी हों तो वो भी आप पर क़ुर्बान करने को तैयार नज़र आते हैं हम करबला में बेहतरीन सियासत को देखते हैं बेहतरीन सियासत ये होती है कि अगर कोई काम अंजाम देना हो तो उसके तमाम तर इमकान से इंसान इस्तेफादा करता है आप ये देखिए कि नज़रत आशूरा में इमाम आली मकाम ने तमाम तर तरामकान से बेहतरीन इस्तेफादा फरमाया है मदीना से जब मदीना में वाक़ हुआ और बुलाया गया तो अपने मुसलह साथी साथ लेकर गए और उनसे कहा कि बाहर रहना और अगर आवाज़ आई तो अंदर आना हम देखते हैं कि उसके बाद मौला ने मक्का की तरफ सफ़र शुरू किया घर वालों के साथ गए तीन चार महीने मक्का में रहे और वहाँ पर लोगों को आगाही दी और उनको आ, हालात से जो है वो आ, हालात का शूर उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की उनको बताया खुतबे दिए तकरीरें कें और फिर एकदम जब हाजी वहाँ पहुँच चुके तो भज का एहराम उतारा और हज का अहराम उतार कर चले गए गोया एक हलचल मच गई कि अब अब ये सब खबर नगार हैं अब जब हर हाजी अपने मुल्क में वापस जाएगा तो उसके पास एक नई खबर होगी वो एक नई न्यूज़ लेकर जाएगा और जब लोग पूछेंगे कि वहाँ क्या हुआ तो वो बताएगा कि वहाँ फ़र्जंद रसूल हज का एहराम उतार कर चले गए लोग पूछेंगे क्यों चले गए वजह बयान होगी जब वजह बयान होगी तो फिर यजीदियत का सही किरदार दुनिया वालों के सामने आएगा और दर हकीकत ये आइंदा तक के लिए का पैगाम है और इंतज़ाम और बंदोबस्त है क्योंकि हुसैन अपने अली जानते हैं कि तागूत की पूरी कोशिश होगी कि मसले को दबा दिया जाए और इसको और रंग दे दिया जाए अब हम देखते हैं कि इमाम अलतम के साथ मर्द हैं औरतें हैं बच्चे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो साथ हैं दर हकीकत ये सब खबर नगार हैं कि जो बाद में अपने वाक वाकिया, उन वाक़ को जो उन्होंने अपनी आँखों से देखे हैं आगे जाकर बयान करेंगे और इसी तरह से बीबियाँ किस अंदाज़ में उन्होंने खुतबे दिए और लोगों को आगाही और शूर दी और लोगों को बनी व का गंदा किरदार जो है वो दिखाया इसी तरह से सैद सजाद वसलाम गोया हम ये देखते हैं कि हती अली असगर की कुर्बानी अगर इसको सैदा ज़ैनब्र सलामल की निगाह से देखें तो ये जमाल आशुरा है कि आओ दुनिया वालों देख लो अगर अकबर गए थे तो तिर तलवार लेकर गए होंगे अगर अब्बास गए होंगे तो शमशीर के हमराह गए होंगे अगर हुसैन जंग करना चाहते हैं तो मुझे बताओ कि अली असगर कौन सा हथियार लेकर मैदान में गए तो जो कौम इस कदर शकी हो सकती है कि छः माह के बच्चे पर रहम नहीं करती और उसे दो घूंट पानी नहीं पिलाती बल्कि किस अंदाज़ में अली असगर के वजूद से बड़ा तीर जो है वो फेंकती है तो वो कॉम जो है वो किस तरह से ए, ए, उसने ये सब जनायात अंजाम नहीं दी होंगी तो आशूरा की नहरत में तमाम तर इम्कान और तमाम तर वसाइल को बरो कार लाकर हुसैन अली ने इस नहरत को ख़ूबसूरत और ज़ीबा बना दिया हम तोल को देखते हैं कि करबला में जिसका जलवा दिखाई देता है कि माँ हुसैन आसलाम रोज़ षूर अर्शाद फ़रमाते हैं इन्नी तवक्ल तो अल्लाबी व रब को क्योंकि आप देखें कि मुश्किल हैं मुहारा एक किस्म का है इकतदी मुहासरा है खाना नहीं पानी नहीं निज़ामी मुहासरा है बहत्तर अफराद तीस हज़ार के लश्कर में घिरे हुए हैं लेकिन तवकुल किया वहाँ घबराए नहीं वहाँ ये नहीं सोचा कि हम थोड़े से हैं हम मुठी भर हैं हम ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि बेशक तादाद में कम हैं लेकिन ईमान के अला तरीन दर्जात पर फायज़ हैं तमाम करबलाई तमाम हुसैन के साथी और तवक्ल करने का एक बेहतरीन हमें नमूना अमल करबला में नज़र आता है कि जब इंसान कभी भी ये ना समझे कि ख़ुदा हमारे हमरा नहीं है इसके अलावा हमें शहामत नज़र आती है करबला में कि किस तरीके से करबला वाले किसी से डरे नहीं किसी से घबराए नहीं जैसा है लम तख्शा अहदा किसी से नहीं डरे हुसैन अली आप घबराए नहीं डरे नहीं और जब इंसान डरता नहीं है तो फिर इंसान ये देखे कि तरक्की करता है और जो लोग डर जाते हैं दब जाते हैं उनके रास्ते रोक दिए जाते हैं और उनको आगे नहीं आने दिया जाता क्यों इसलिए कि उस उनके अपने वजूद के अंदर खौफ होता है लेकिन ये वो हैं कि ला वला वल यनून बच्चा हो बड़ा हो औरतें हैं जो भी हैं जब हुसैन अली पर ईमान ले आए और इस ईमान के साथ करबला पहुंच गए तो अब बहुत कातियत के साथ अब चाहे कुछ हो जाए हम डटे हुए हैं हम पीछे नहीं हटने वाले हमें करबला में बेहतरीन अंदाज़ में एहसास तो अवातिफ का मुजाहरा नज़र आता है आप ये देखिए कि आम तौर पर हमें आम ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने एहसास और अवातिफ को छुपा लेते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह करने से हमारी शख्सियत जो है वो कम होती है आप मोहब्बत और अवातिफ इंसानी कि जिसके हवाले से हती क़ुरान भी इशारा फरमाता है हमें करबला में बेहतरीन अंदाज़ में नज़र आता है कि बाप अपने बेटे से किस तरह से खुदा हाफिजी कर रहा है किस तरह से गुफ्तू की जा रही है जनाब कासिम के साथ जिस अंदाज में हमें मकातल में मिलता है कि दोनों चचा भतीजे ने एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली और गिरिया किया इमाम हसन मुशतबा की याद जो है वो ताज़ा हुई या आ, ये जो फरमान सैदुल शहदा सलात वसलाम के मतलब बयान किया जाता है और ये कहा जाता है कि इमाम ने फरमाया कि जिस घर में रबाब और सकीना ना हो तो वो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता यानी वो घर पसंद है कि जहाँ सकीना और रबाब हों यानी मोहब्बतों का इजहार करना कर बला वालों ने सिखा दिया और ये बहुत बड़ा दर्स है हमारी अपनी ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि उन उनों में जहाँ पर एक दूसरे से इजहार मोहब्बत किया जाता है वो ज़िंदा मुआरे होते हैं वहाँ गर्मी पाई जाती है वहाँ पर आगे बढ़ने की लगन जो है वो ज़्यादा होती है और उस घर के बच्चे बेहतरीन बच्चे बन सकते हैं करबला में हमें ये बताता है कि जो अल्लाह की राह में मुजाहिदत करते हैं किस तरीक़े से परवरदिगार आलम उन पर दुरुदो भेजता है मुजाहिदों पर दुरुदो भेजना हमें यहाँ पर नज़र आता है कि असल मुजाहिद वो होता है जो हमेशा अपने आप को परवरदिगार के महजर में देखता है और इस तरीके से जंग करता है जहाद करता है क्याम करता है अपनी जान को हथेली पर लेकर जाता है अल्लाह के लिए तो फिर परवरदिगार आलम उस पर अपना अपनी दरूद और सलाम और रहमतें भेजने का ऐलान करता है कल थोड़ा सा ज़िक्र किया और आज भी अर्ज़ किया कि जब वसीयत की सैदा सलाम ने कि मैं सीरतुलनबी का अहिया चाहता हूँ अली मरत की सीरत का अहिया चाहता हूँ तो आप ये देखिए कि हर इमाम ने अपने वक्त में जब ये देखा कि तागूत जो है वो अपना काम कर रहा है तो हर इमाम ने सरतुलनबी को ज़िंदा करने के लिए वसाइल जो भी उनको मिले उनको बरकार लाए और इस हदफ को इस मकसद को जो है वो पहुँचे इमाम रज़ा आल सलातम की ज़िंदगी में हमें मिलता है कि मामून ने कहा कि आप नमाज़ ईद पढ़ाएँ और इमाम अलसला वसलाम ने पहले तो कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगा और तुम इस काम से मुझे माजरत चाहिए और कहा कि माफ़ रखो और फिर जब इस बढ़ा तो कहा कि अच्छा अगर मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा तो अपने जाद की तरह नमाज पढ़ाऊँगा और वो सोच भी नहीं सकता था कि मतलब होगा इससे इमाम अलहत वसलाम ने मौला ने सफ़ेद लिबास पहने और अजीब मानवियत भरे माहौल में नंगे पैर तकबीर कहते हुए गिरिया करते हुए मेरे मौला नमाज़ की जाएगा की तरफ जगह की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं यहाँ तक कि लोग भी फिर इसी अंदाज़ में पीछे चलने लगे उन्होंने अपने जूते उतार दिए तकबीर की आवाज़ से वो सारी जगह जो है वो गूंज रही थी और जाहिर है कि जब ज़माने का इमाम हो तशरीफ़ लाए जब रहा आलमीन का बेटा ये काम कर रहा है तो फिर हम सोच नहीं सकते कि कितना मानवियत वाला वहाँ पर माहौल हो जाएगा यहाँ तक कि मामून घबरा गया और आधे ही रास्ते से मौला को शुक्रिया के साथ उनसे माजरत की और कहा कि आप जहमत नहीं फरमाएँ हम देखते हैं कि मैं हुसैन सलातम ने भी यही काम किया और कहा कि मैं जद की सीरत को ज़िंदा करना चाहता हूँ और वो चीज़ें जो लोग ग़लत हुकूमत से के आने की वजह से भूलने लगे थे उसको दोबारा याद करवाना चाहता हूँ हम हती देखते हैं कि जब प्याम्बर ग्रामी इस्लाम के बाद पच्चीस साल के बाद मौलाए कायनात ने नमाज़ पढ़ाई तो लोगों ने कहा कि हमें रसूल ख़ुदा की नमाज याद आ गई ये सब क्या है ये सब हमें यही दिखाता है कि तब्दीली हो गई और सीरत जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई लिहाजा आज भी ज़रूरत है कि सीरतनबी ज़िंदा हो आज भी अहले अहल्वैत अताराम की सीरत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है आज भी हमें ये पैगाम मिलता है आय ताहरीन ताहरी सलात की तरफ़ से कि अहिया अमराना हमारे अमर को ज़िंदा करो यानी यानी अहले बैत की बात को बैत अतार की फ़िक्र और कल्चर को उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है और हकीकता अगर इंसान तरबियत इलाही की तरफ़ तवज्जो दे तो फिर वो इस इन चीज़ों की तरफ़ जो है ज़्यादा तवज्जो दे सकता है और ये जो मिलता है कि जब ए, इमाम ज़मान सलासलाम तशरीफ़ लाएँगे और तशरीफ़ लाएँगे तो फिर बास चीज़ें जो लोगों को हज़म नहीं होंगी चूँकि नबी को सीरत अली को अहल बैतारम की सीरत को छोड़ चुके हैं और दूसरी चीज़ों को इस अंदाज़ में अपना चुके हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने लग लगे हैं तब जब तो जब मौला इमाम जवाना आलातम तशरीफ़ लाएँगे और बहुत सारी उन चीज़ों को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे और ज़िंदा करेंगे तो बहुत से लोग बेसाख्ता ये कह उठेंगे कि ये कोई नया दिन है और हमने इसके हम इसके मतलक नहीं जानते हैं और भूल जाए भूल गए कि दर हकीकत दीन से दूरी की वजह से वो उन चीज़ों को दीन का हिस्सा नहीं समझते हैं जैसा कि आज हो रहा है हमें हर जगह पर नज़र आ रहा है इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ए, करबला वालों ने आखिरी सांस तक असलाह की कोशिश की है हम अमरूफ़ नहीं आज़मुनकर करते हैं कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है मजालस दुरुस ये वो और फिर देखते हैं कि माशरे में उसका असर नहीं हुआ तो अफ़राद कुछ लोग थक जाते हैं घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं इन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला लिहाज़ा इनको अमर मरूफ़ और नहज़ मुनकर ना किया जाए मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा मरीज हो जाए और डॉक्टर जो है वो जवाब भी दे दें तो तब भी माँ बाप मायूस नहीं होते और ये नहीं कहते कि बच्चा इस हद तक बीमार हो गया है कि अब ये मरने वाला है तो चलो इसको छोड़ दो ताकि ये मर जाए कभी भी ऐसा नहीं होता है बल्कि सर तोड़ कोशिश की जाती है कि उसका इलाज व मालजा किया जाए और आखिरी सांस तक आ, मायूस नहीं होते हैं तो लिहाजा ऐसा नहीं होता कि एक दो गोलियां एक दो सिरप दे दिए और फिर कहें कि अब बैठ जाएं अब इंतज़ार करें दवा असर ही नहीं कर रही या इलाज आ, असर नहीं कर रहा इसी तरह से अगर फल कच्चा हो तो शाख से तोड़ते नहीं हैं उसको पकने दिया जाता है अगर फ़र्ज़ करें इलाज के, के लिए इलाज तो मौजूद हो लेकिन दवा हमें ना मिल रही हो तो आ, पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी मयसर आ सके हम उसको मुहैया करें और इस्तः करें तो अमर बारूफ और नहीं अज़मुन कर अगर स़रत हुसैन अबन अली वसलाम को हम देखते हैं तो बार बार हती अश्किया को मखातब करार दिया उन्होंने राय हिदायत की तरफ बुलाया और मायूस नहीं हुए यहाँ तक के शब आशूर और हत्या रोज़ आशूर भी उनके साथ गुफ्तु की और उनको नसीहत करने की कोशिश की और दर हकीक़त मरूफ़ की तरफ़ बुलाने की कोशिश की और दुनिया ने देखा तारीख़ यह बयान करती है कि कुछ अफराद ऐसे भी थे कि जो तब्दील हुए और जो इस तरफ़ वापस पलट आए और वापस आ गए लहजा करबला का हुसन ये है कि करबला वाले मायूस नज़र नहीं आए और हर आन हर आ, अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने कोशिश की हिदायत करने की और, और आ, अपनी भरपूर जो है वो इसमें किरदार अदा किया हुसन खूबसूरती मैं कुछ चीज़ों की तरफ आज सिर्फ़ आ, इशारा करूँगी और तफसील उनकी बाद में कि करबला वालों का सब्र सबसे ज़्यादा हसिन व जमील नज़र आता है क़ुरान से ताल्लुक इबादत और नमाज से ताल्लुक हुसैन इब्न अली का कि किस अंदाज़ में फ़रमाते हैं कि अना किन्ाबुसलात हुसैन आशिक नमाज़ हैं बीबी बी जैनब कुब्रा सलाम्ला का मुसल इबादत पे किरदार सैद सज्जाद का किरदार इनशाला तफसील आइंदा प्रोग्रामों में बयान करूँगी हलाल और हराम की किस कदर पाबंदी करते हैं करबला वाले उनकी रूह कितनी बुलंद है दीन से पासदारी के लिए हर चीज़ देने को तैयार है दीन पहली अहमियत है और बाकी सब कुछ उसके बाद है इसी तरह से उनका जोह तकवा और तारीख़ के हवाले से करबला में मौा ममा हसैन आलतम ने कई मकामात पर तमसील से इस्ता किया है मिसालें बयान की हैं और ये हुसन है करबला वालों का डरे नहीं जैसा कि मैंने अर्ज़ किया खौफ ज़दा नहीं हुए करबला वादा इलाही का मजहर नज़र आता है परदगार फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा करबला वालों ने नाम ख़ुदा को बुलंद किया आज तक दुनिया में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम हुसैन हुसैन है सबसे ज़्यादा आने वाली आवाज़ हुसैन हुसैन की आवाज़ है अली अली की सदाएँ हैं और आज तक नहीं बल्कि ताकि क्या मैं क्या मत कोई इन आवाज़ों को दबा नहीं सकता कोई इस ज़िक्र को रोक नहीं सकता इसको किसने बढ़ाया इसको किसने ज़िंदा किया इसको किसने दुनिया की किानों तक पहुंचाया हमने मैंने आपने नहीं हमने नहीं बल्कि इसका इंतज़ाम ख़ुद सैदुलशहदा ने किया और इसका वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया इसी तरह से हम करबला का हुसन देखना चाहें तो मौत वयात हुसैनियों की निगाह में आकर देखो कि उनकी निगाह में मौत की क्या कीमत है उनकी निगाह में ज़िंदा रहने की क्या कीमत है हम बहुत सारी मिसालें देते हैं तो एक बात सामने आती है अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर करबला वालों ने यह सब कुछ किया तो जाहिर है कि वो आला हस्तियाँ थीं वो बुलंद वाला मकाम और मर्तबे पर फाइज हस्तियाँ थी वो उन्होंने उन घरानों को देखा था कि जिनका हर फेल कौल अल्लाह के लिए है या हुसैन इब्ने अली के साथियों को वो रहबर बराह रास्त इस अंदाज़ में मयसर आया कि जो मासूम है और इस अंदाज में उनकी तरबियत की नहीं ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हम तो इस काबिल नहीं हैं हम कहाँ वो कहाँ एक लिहाज से कहा जाए तो ठीक है हम कहाँ वो कहाँ दुरुस्त है हम तो उनकी खाके पा भी नाहें ना बन सकते हैं लेकिन वो असलाह चाहते हैं जब इस चाहते हैं इसका मतलब है कि हम तरबियत होने के काबिल हैं ज़िंदगी के किसी हिस्से में ही क्यों ना हो और उसकी ज़िंदा मिसाल करबला का एक और हुसन और जमाल और ख़ूबसूरती तोबा है कि जब तुम सच्चे दिल से तोबा कर लो तो फिर सब कुछ बदल जाता है आज मुझे जिस हस्ती का ज़िक्र करना है वो जनाब अलैहिस्सलाम है कि हुर की अगर हम आ, के किरदार पर रोशनी डालना चाहें तो हम देखते हैं कि हुर वो सिपाही है वो लीडर है कि जिसने माँसैन आईलातम का रास्ता रोका किस अंदाज़ में और क्या ये गुनाह छोटा गुनाह है अगर बाकी ज़िंदगी को ना देखा जाए लेकिन हुर हुर बन गए आज़ाद हो गए और हुसैनी हो गए और बहिशती हो गए और सब कुछ बदल गया इनकलाब आ गया तब्दीली आ गई ये कौन है और क्या अहले बैत के घराने से कोई ताल्लुक़ या कोई आलिम दीन है या किसी आलिम दीन की औलाद है नहीं एक आम इंसान मुझ और आप जैसा इंसान गुनाहगार खताकार फ़रजंद रसूल का रास्ता रोकने वाला नबी ज़ादियों का दिल दुखाने वाला लेकिन जब शब आशूर, अल अलातश अल की आवाज़ें सुनाई दी हैं तो बर्दाश्त नहीं हुआ ये वही हुर है कि जब रास्ता रोका और इमाम हुसैन अल्लात वसलाम ने फरमाया कि हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए तो पलट कर जवाब नहीं दिया हुसैन की माँ के नाम की हया रखी और ये कहा कि अगर कोई और अरब मेरी माँ का नाम अपनी ज़ुबान से लेता तो मैं उसको जवाब दे सकता था लेकिन क्या करूँ कि आपकी माँ का नाम फ़ातिमा ज़ाहरा है और हुर उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो मैं ये कहूँगी कि हुर तूने जाना कि फ़ातिमा का नाम सवाए अच्छाई के बयान करना मुमकिन नहीं है यही अदब तुझे बचा गया अजीब दास्तानें हैं करबला की दर्द मजलूमियत दुख मानवियत हिदायत निजात करबला ने सब कुछ दिखाया और फिर जब शब आशूर मोहलत मांगी है सैदुशहदा ने तो मांगी नहीं दी है और उस देने का असर हम देखते हैं कि हुर आए हुर का बेटा गुलाम और कुछ और अफराद के बारे में भी मिलता है कि जो पलट आए जिन्होंने आकर तोबा की कौन है हुर जो इस कदर बहादर है कि सैकड़ों पर भारी है लेकिन शब आशूर जब महाजर बिन औस कहता है कि मुझे लगता नहीं तू वही बहादर है कोफा का तो हुर ने कहा खुदा की कसम अरानी बैन अल जन्नत वन्नार मैं अपने आप को जन्नत और आग के दरम्यान में देख रहा हूँ और खुदा की कसम बहिश्त के सिवा किसी चीज को इख्तियार नहीं करूंगा करबला बेहतरीन तोबा दिखा रहा है सरी और रजा होने की बेहतरीन मिसाल करबला में दिखाई देती है कि आओ ए बंदे तुम तोबा करके तो देखो इधर तुम्हारा दिल टूटा नहीं उधर हम तुम्हें अपना लेंगे सीने से लगा लेंगे और की हालत सुनोगे नाजरीन मोहतराम बाज़ जगह मिलता है कि हाथों को सर पे रखा नदामत और तस्लिम के अंदाज़ में लश्कर हुसैनी की तरफ बढ़े और ज़बान पर ये जो हैं "अल्लाहुम्मा अलई का अनब तो फतब अलिया फ़तद आरइता व औलाद बिनत नबी परवरदिगारा मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ तू मेरी तोबा कबूल फरमा मैंने तेरे अलिया तेरे रसूल की बेटी के लाल का दिल दुखाया है और आकर सैदहदा से यह अर्ज़ करता है कदका कान आगा आका मौला मुझसे गलती हुई कौन सी गलती वही जो आप जानते हैं मुझे बयान करते हुए शर्म आती है मौला अब मैं आ गया हूँ क्या करूँ मौला मैं माफ़ी मांगू मैं उजर ही करूँ गोया शर्मिंदगी के बायस हुर की जबान लड़खड़ा रही है मौला मैं क्या बताऊँ मैंने क्या क्या किया मेरे नबी ज़ादियों का दिल वहशत में मुबतला किया मैंने औलाद रसूल के कल्ब को वहशत में मुबतला किया ही तक को ही तो का मौलाब मैं आ गया हूँ मौला क्या मुझे कबूल करोगे वक्ा ही तो का मवासन बे बस मौला मैं आया हूँ तुझ पर अपनी जान वारने के लिए आजादारा ने सैदुल कहता है मौला अगर मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊँ तो क्या मेरी तोबा कबूल होगी अब अब्दुल्ला करीम मौला एक निगाह की और एक लफ्ज़ कहा ए नजल, इस एक जुमले ने हज़ार साल के फ़ासिले मिटा दिए गोया मेरा मौला कह रहा है आ जाओर अब तू हमारा मेहमान है अब हम और तुम एक हैं अब तुम हमारे दोस्त हो आजादा रान सैदुल हुसैन रहीम का मजहर है खुदा की सिफ़त है ना रहमान और रहीम तो हुसैन उसका मजहर नज़र आता है कहते हैं कि हुर परेशान थे सोच रहे थे कि अगर हुसैन अली ने मेरी तोबा को कबूल न किया मेरी माफ़ी को कबूल ना किया तो मैं उनकी माँ फातिमा का सदका देकर का वास्ता देकर उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा अरे ये सरी और रज़ा हैं ये नूर नूरलमस्तना फ़ुलम है हुसैन का दिल कीना नहीं रखता ये रहमत अलमीन का फ़र्जंद है ये मुजस्म रहमत है लहजे भर के लिए ये एहसास ना होने दिया कि हुर तू जानता है तूने किया क्या था तबस्सुम फरमाया और एक मरतबा इरशाद फरमाया अंता हुर फि दुनिया वला आखिरा अला लानतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन व सयालमुल्लजीना ज़लमू अय्यामन क़लबिन यानक़लिबून